Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. Vampire, एक ऐसा supernatural character जिसके बारे में अक्सर बताया जाता है कि vampire वो होते हैं जो मरने के बाद भी कब्र से बाहर आते हैं, यानी कि वो जिंदा लाशे जो लोगों के खून को पीकर जीवित इंसानों की तरह जीते हैं। दोस्तों, वैम्पायर के इस इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर को हमारे इंडियन टेलीविजन में कई शोज में दिखाया गया है, जहां कुछ बेहद ही टैलेंटेड और गुड लुकिंग एक्ट्रेस ने इस कैरेक्टर को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको इन शोज और एक्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सब टीवी के शो प्रीतम प्यारे और वो की, जो कि एक कॉमेडी हॉरर शो था। इस शो में वैम्पायर के कैरेक्टर में दिखे थे अभिनेता राजेश कुमार, जिन्होंने दारा कोयला नाम के वैम्पायर के कैरेक्टर को प्ले किया था। वही शो में उनकी पार्टनर बनी थी मेलिसा पियर्स, जिन्होंने भूतरीना के कॉमिक कैरेक्टर को प्ले किया था। तो दोस्तों, आप बात करते हैं जीटीवी के पॉपुलर शो कबूल है सीजन 4 की, जहां बेहद ही गुड लुकिंग एक्टर राजवीर सिंह को हमने वैम्पायर के कैरेक्टर को निभाते हुए देखा था। शो में उनका नाम आजाद था, जहां शो में उनकी लव इंटरेस्ट महिरा के कैरेक्टर को सुरभि ज्योति ने प्ले किया था। ये दोनों ही एक्टर साथ में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रहे थे, पर शो में इनकी ट्रैक काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए दिखाया गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एमटीवी के शो फना की, जहाँ करण कुंद्रा ने एक वैम्पायर कैरेक्टर को प्ले किया था, जहाँ उनकी लव इंटरेस्ट धरा के कैरेक्टर में एक्ट्रेस चेतना पांडे दिखाई गई थी। इस शो की वैम्पायर वूमेन की लव स्टोरी को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इसके अलावा इस शो में ऋतु धनजानी भी वैम्पायर विद्युत के कैरेक्टर में दिखे थे। तो दोस्तों, अब आते हैं सीरियल प्यार की एक कहानी पे, जो कि स्टार वन में प्रसारित होता था, जहां हमने दो दो मेल वैम्पायर कैरेक्टर्स को देखा था। जहां पहले थे एक्टर सिद्धांत कार्निक, जिन्होंने वैम्पायर सिद्धार्थ के कैरेक्टर को प्ले किया था, जहां उन्होंने अपने इस कैरेक्टर से ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया था। तो वही दूसरे एक्टर थे विवियन डिसेना, जिन्होंने शो में लीड वैम्पायर अभय के कैरेक्टर को निभा के सभी के दिलों को जीता। उनके वैम्पायर के कैरेक्टर को अब तक इंडियन ऑडियंस के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली है। जहाँ बात करें इस शो में उनके लव इंटरेस्ट पिया के कैरेक्टर की, तो इस किरदार को निभाया था अभिनेत्री सुकीर्ति कांडपाल ने, जहाँ इन दोनों की जोड़ी की गिनती इंडियन टेलीविजन की मोस्ट लव जोड़ी में से होती है। अब इन दोनों ही कैरेक्टर्स की वैम्पायर ह्यूमन लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी। तो दोस्तों, फाइनली आते हैं कलर्स के नए शो कुछ तो है नागिन एक नए रंग पर, जहाँ हम हर्ष राजपूत को वैम्पायर रेहान के कैरेक्टर को निभाते हुए देख रहे हैं, और वो आते ही इस कैरेक्टर से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हुए हैं। जहां बात करें उनकी लव इंटरेस्ट की, तो उनके अपोजिट में दिखाई दे रही है कृष्णा मुखर्जी, जो कि प्रिया नाम की एक एंजल के कैरेक्टर को प्ले कर रही है, जहां अभी से इन दोनों की जोड़ी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रही है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे शो जिन्होंने वैम्पायर के कैरेक्टर और उनकी लव स्टोरी को प्रेजेंट किया। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा एक्टर वैम्पायर के कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।